हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लुवे सवसाहुणम। वंदे तु सव सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना शब्दों में अत्यंत गहराई छिपी हुई है। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा वाचक वाच्य योग, इन वाच्य शब्दों से वाचक पकड़ में आ जाना चाहिए। शब्द भले ही जड़ हैं लेकिन ये जड़ शब्द उस चैतन्य तत्व को दिखाने वाले हैं, इसलिए जड़ शब्दों के माध्यम से भी वो चैतन्य तत्व पकड़ में आ सकता है, वो ख्याल में आ सकता है। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा बने, उसमें इन जड़ शब्दों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह बात यद्यपि परम सत्य है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं निमित्त निमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, और उन घने निमित्त निमित्तिक संबंधों को जब देखा जाता है तो यह भगवान आत्मा इन पौद्गलिक शब्दों के माध्यम से भी पकड़ में आने जैसी योग्यता रखता है। वास्तव में शब्दों से तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान के माध्यम से वो ज्ञायक जरूर पकड़ में आएगा। शब्द वास्तव में पुद्गल हैं, लेकिन इन शब्दों के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ज्ञायक का परिचय करा रहा है। जैसे सूर्य रश्मि, सूर्य की किरण सूर्य का परिचय कराती है, उसी तरह से यह ज्ञान किरण ज्ञायक का परिचय कराती है। यदि वह किरण सूर्य का परिचय न करावे तो उसे सूर्य की किरण कौन कहे। इसी तरह ये हमारा वर्तमान ज्ञान रूप परिणमन, ये ज्ञान पर्याय यदि ज्ञायक का परिचय न करावे तो इस ज्ञान पर्याय को ज्ञान की पर्याय माने ज्ञायक से उत्पन्न होने वाली पर्याय कौन कहे। जो जैसे होते हैं उनकी अवस्था भी वैसी ही होती है। ज्ञान यदि एक अवस्था है तो ज्ञायक भी ज्ञान रूप ही है। जिसकी अवस्था जिस रूप होगी वो उसी रूप होगा, ऐसा एक सामान्य नियम है। जैसे मिश्री की सर्व अवस्थाएं मिठास रूप ही होती है, उसी तरह से ज्ञायक भगवान आत्मा की सर्व अवस्थाएं ज्ञान रूप ही हुआ करती है। इस ज्ञायक भगवान आत्मा को विविध प्रकार के विशेषणों के माध्यम से 14वीं गाथा में बताया गया, और गाथा नंबर 15 में उन्हीं विशेषणों को आधार बनाकर यह कह दिया गया कि भैया जो आत्मा को देखे, जो आत्मा को जाने, इन विशेषणों सहित आत्मा को जाने, लेकिन विशेषण हाईलाइट नहीं हो, क्योंकि विशेषण हाईलाइट होने का नाम तो विशेष हाईलाइट हो गया, विशेष का आविर्भाव हो गया। विशेषों का तो तिरोभाव करना है,
सामान्य का आविर्भाव होगा तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आएगा। 48 नंबर पेज, 15 नंबर की गाथा, गाथा 47 पेज पर लिखी है। गाथा और गाथा का पद्यानुवाद बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। जो पसदि अपाणम अबद्ध पुट्टवणन्नम विशेषम अपदेश संत मजम पसदि जिन शासनम सवम अबद्ध पोठ अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन लहे। जाने आत्म को, एक सुंदर शब्दावली यहाँ प्रयोग की गई है, जाने आत्म को। लेकिन कैसा जाने आत्म को कि ये जो विशेषण दिए हैं इस रूप जाने आत्म को, बोले कहते हैं द्रव्य श्रुतमय कहो या भाव श्रुतमय कहो सकल जिन शासन लहे। देखिए ये जो सकल जिन शासन है, द्रव्य श्रुत माने द्वादशांग, उसे द्रव्य श्रुत कहते हैं। और वो जो द्रव्य श्रुत है वो तो जिन शासन कहलाता ही है, लेकिन उस रूप जो भाव श्रुत है, द्रव्य श्रुत का जो सारभूत भाव श्रुत है, वो भाव श्रुत को भी जिन शासन कहते हैं। और भाव श्रुत श्रुत ज्ञान है, तो जिसने द्रव्य भाव श्रुत को जाना माने उसने श्रुत ज्ञान को जाना, और श्रुत ज्ञान ही है आत्मा। पहले भी सिद्ध कराए हैं 9वीं 10वीं गाथा में कि श्रुत ज्ञान ही है आत्मा, इसलिए जिसने श्रुत ज्ञान को जाना उसने आत्मा को जाना। तो फिर ऐसा कह देंगे कि जिसने आत्मा को जाना उसने संपूर्ण द्वादशांग को जाना। आत्मा को जानने की बात, उससे द्वादशांग जानने में आया, और द्वादशांग जानने में आया ये कब कहा जाए, जिसने आत्मा को जान लिया तब ये कहा जाएगा कि इसने सर्वश्रुत को जान लिया है। बड़ी गजब की गाथा है। अनेक प्रकार के विशेषण देने के बावजूद भी अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं कि विशेषणों में मत अटक जाना, विशेषणों को तिरोभूत कर दो और सामान्य का आविर्भाव कर दो। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और ज्ञान के विशेषों का तिरोभाव जब होता है, जिस क्षण हो जाता है, उसी क्षण आत्मानुभूति हो जाती है। यही अनुभूति का विषय है। सामान्य ज्ञान पकड़ में आना माने अनुभूति हो गई। ज्ञान सामान्य यदि पकड़ में आ गया तो अनुभूति हो गई। यह अनुभूति का विषय है ज्ञान सामान्य का आविर्भाव। ज्ञान सामान्य के आविर्भाव होने को ही अनुभूति कहते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यही है कि हमें वो ज्ञान सामान्य पकड़ में नहीं आता। ज्ञान में गए तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है। ज्ञान में ज्ञान पकड़ने की कला ये यहाँ सिखा रहे हैं। और कह दिया अज्ञानी जीव गेयों में मुग्ध है। अज्ञानी जीव गेयों में आसक्त है। अज्ञानी जीव को गे में आनंद दिखाई दे रहा है। देखिए आज थोड़ा सा इस बात को दृष्टांत की तरफ ले जाते हैं। अमृत चंद्राचार्य देव दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इस बात को घटित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। और उदाहरण दिया जा रहा है नमक का, नमक के उदाहरण से। 48 नंबर पेज अंतिम लाइनें, चार लाइनें दी है अंत में। अब इसी बात को विस्तार से दृष्टांत देकर समझाते हैं। कौन सी बात को? सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव होना चाहिए, इस बात को समझाते हैं। यहाँ जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन
व्यंजन माने भोजन सामग्री विविध प्रकार के बने हुए, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, भुजिया, सब्जियां, रोटी, दाल, चावल, सब ये सब आइटम, ये सब व्यंजन है। ये मैंने इन व्यंजनों को देखकर मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। सब लगा लो आप, डोसा वोसा सब लगा लो आप, जिसको जो पसंद हो वो सब लगा लेना। वे सारी चीज़ें ये सब व्यंजन है, लेकिन उन सब व्यंजनों में एक नमक, नमक एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो सब स्वादिष्टता को प्राप्त होते हैं। यदि नमक नहीं तो सब व्यंजन बेकार। नमक नहीं है तो सारे व्यंजन बिगड़ गए, कुछ नहीं है। नमक नहीं है तो सब गड़बड़ हो गई। आज तो नमक नहीं है, आज तो नमक नहीं है, टेस्टलेस हो जाता है। नमक से ही स्वाद बनता है। अरे माइल धवल आचार्य ने नयों को समझाने के लिए उन्होंने नमक शब्द का प्रयोग किया है, नए को समझाने के लिए ऐसा लिखा है उन्होंने। लवणम वर्णम भणियम, लवणम लवण मन नमक, लवणम वर्णम भणियम नए चक्कम सयल सत्थ सुधियरम सम्मावी सुमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहीयाणम लवणम वर्णम भणियम। नमक की जैसा कह दिया है, नमक नमक नमक। अरे भाई साहब नमक निकाल दो सारा भोजन खत्म हो गया। जिस दिन आपके भोजन में नमक नहीं हो उस दिन आपका भोजन नीरस हो जाता है। आटे में भी नमक डलता है, रोटी बनते समय भी, उसमें भी नमक नहीं हो तो रोटी बराबर मज़ा ही नहीं आता है, रोटी में मज़ा नहीं आता, सब्जी में मज़ा नहीं आता। ये कह रहे हैं यहाँ उन व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव, तिरोभाव तिरोभाव माने वो सामान्य नमक अनुभव में नहीं आ रहा है। हम तो नमकीन का अनुभव कर रहे हैं, हम तो कचौड़ी का अनुभव कर रहे हैं, हम तो केले से बने हुए समोसे का अनुभव कर रहे हैं। आप किसका अनुभव कर रहे हैं? आप तो पोहा का अनुभव कर रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? तो क्या हो गया? सामान्य लवण का तिरोभाव हो गया, सामान्यपन मानो उसमें विलुप्त जैसा हो गया, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है सामान्य नमक। और विशेष लवण के आविर्भाव से, विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है, विशेष नमक के आविर्भाव से जो पकड़ में आने वाला नमक है, उसका स्वाद अज्ञानी, अज्ञानी माने कौन? व्यंजन लोलुप अज्ञानी जीव जिसे ज्ञान नहीं है, व्यंजन लोलुप। क्या समझ में आ रही है क्या बात? व्यंजनों में ही आसक्त होने वाला, क्या व्यंजनों में ही आसक्त होने वाला ऐसे मनुष्य को व्यंजनों का स्वाद तो आता है लेकिन नमक का स्वाद नहीं आता है। उस मिश्रित अवस्था में जब वो व्यक्ति मिश्रित अवस्था के अंदर रहता है तो मिश्रित अवस्था में रहते हुए उसे जो स्वाद आ रहा है वो व्यंजनों का स्वाद आता है, नमक का स्वाद नहीं आता है। किंतु अभी इसी उदाहरण को देखिए, किंतु अन्य के संबंध रहितता से, दूसरों के संबंध रहित, संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव। अब संबंध रहितता क्या चीज है? भोजन के व्यंजनों में नमक था, अब उसमें तो जो स्वाद आया था तो हमने नमक का स्वाद नहीं लिया था। अब ये कह रहे हैं अब आपको एक काम करना है कि ये जो नमक रखा है ना, नमक की डली, अब इसका स्वाद लो। ये संबंध से रहित है तो संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है
उसका स्वाद नहीं आता। ये कह रहे हैं यहां संबंध रहितता से उत्पन्न, अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप लवण उसका स्वाद नहीं ले पा रहा है। वो कौन कौन कि वाक्य पीछे से जुड़ेगा, जो लोग गेय लोलुपी हैं, जो लोग व्यंजन लोलुपी हैं, उन्हें कभी नमक का स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे विशेषों में उलझे हुए हैं। यदि परमार्थ से देखें तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। देखना भैया, ऐसा है जो आपने ये जो नमक का स्वाद लिया ना, नमक की डली का, और ये जो आपने कचौड़ी खाई थी, नमक का स्वाद और कचौड़ी में मिले हुए नमक का स्वाद, ये कोई दोनों के स्वाद अलग अलग नहीं है। लेकिन जब हम कचौरी के साथ में नमक लेते हैं तो हमें नमक नहीं आकर के वो कचौरी मिश्रित नमक दिखाई देता है, और जब हम खाली नमक का स्वाद लेते हैं तो हमें नमक का स्वाद आता है। अब हम पूछ रहे हैं कि अलग अलग व्यंजनों में मिले हुए नमक से वो जो खाली नमक था, इन दोनों के नमक के स्वाद में कुछ फर्क है क्या? कि दोनों के नमक के स्वाद में तो कुछ फर्क नहीं है। तो इसी तरह से अभी आत्मा पर घटित करेंगे, इसी प्रकार आत्मा पर घटित करके देखिए, इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ, क्या अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, क्या बात लिखते हैं। भाषा शैली समझ में आ रही होगी। दो तीन दिन से अपन इस विषय के ऊपर मंथन कर रहे हैं, सामान्य का आविर्भाव, आविर्भाव क्या होता है, विशेष का तिरोभाव, तिरोभाव क्या होता है। जिसका किया जाना था तिरोभाव उसका हो रहा है आविर्भाव, जिसका किया जाना था आविर्भाव वो निरंतर हो रहा है तिरोभाव रूप। ये हो क्या रहा है जीवन में, जिसे किया जाना था हाईलाइट वो हो गया है गौण, जिसे किया जाना था गौण वो हो रहा है निरंतर हाईलाइट। यही तो संसार परिभ्रमण का कारण है, दुख का कारण क्या है, जिसे देखना था वो नहीं दिख रहा, और जिसे नहीं देखना था वो दिख रहा है। देखना था ज्ञान सामान्य को और दिख रहे हैं ज्ञेय। कभी कभी ऐसी मूर्खता कर लेते हैं ना, पुरुष वर्ग के लिए तो नहीं कहूँगा, हो भी सकते हैं पुरुष और महिला वर्ग, ऐसे अलग अलग तो बंटवारा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दुकान पर जाकर खरीदना क्या था, गए क्या खरीदने के लिए थे और क्या खरीद करके ले आए? आप गए क्या करने के लिए थे? दुकान पर एक चीज़ खरीदने के लिए गए, अब दुकानदार ने आपको कई तरह की चीज़ें दिखाई, तो जो लेने आए थे वो तो भूल गए, और जो दूसरी चीज़ें दिख रही थी उनमें मुग्ध हो गए। ऐसा होता है कभी जिग्नेश भाई? ऐसे ऐसे हालात दिखते हैं जगत में, कई बार ऐसा होता होगा। और इस कमजोरी को, इस गेय लुब्धता की कमजोरी को व्यापारी वर्ग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बराबर 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 वे करते हैं, वो दिखाते हैं, अरे देखो तो सही, नहीं लेना मत। क्या जिग्नेश भाई क्या करते हैं? लेना नहीं, नहीं नहीं, आपको लेना नहीं है, आप तो देखो, आपको लेना नहीं है, आप तो देखो। वे जानते हैं क्या कि ये गेय लुब्धता है इनमें, वे जानते हैं एक बार माल पसंद आ जाना चाहिए। घर में जो आते हैं ना सामान बेचने वाले, हिंदुस्तान में बहुत जगह पर डोरबेल बजाएंगे, और बजा करके आपने गेट खोला कि कुछ दिखाना है, नहीं हमें नहीं, नहीं देख तो लो, नहीं देख तो लो, देख तो लो। वे जानते हैं इस जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है, ये जब दूसरी चीज़ों को देखता है तो देख करके अटक जाता है।
इसलिए जब तक इसकी आसक्ति बुद्धि है तब तक इसको दिखाते नहीं है। सारा लोकालोक क्यों नहीं दिखाते हैं? आपको पता है सर्वज्ञता के पहले वीतरागता की अनिवार्यता क्यों है? इसीलिए अनिवार्यता है, जब तक आपकी गेयों के प्रति अट्रैक्शन की बुद्धि मिटेगी नहीं तब तक तुम्हें सारा लोकालोक दिखाएंगे नहीं। क्योंकि हमने लोकालोक दिखाया और तुम ये कहोगी एक फ्लैट मुझे नंदीश्वर में बनाना है, मुझे तो यहीं बसना है। हमने नंदनवन दिखाया और ये कहता है नंदनवन की जमीन का क्या भाव होगा, क्या ये वहां की रेट पूछने लगता है, हम क्या करें? तुम्हें नंदनवन भी नहीं दिखाएंगे, तुम्हें नंदीश्वर भी नहीं दिखाएंगे, तुम्हें ये सब दुनिया नहीं दिखाएंगे। दुनिया बहुत सुंदर है, अकृत्रिम दुनिया बड़ी सुंदर है, लेकिन उस अकृत्रिम दुनिया पर रीझने वालों को वो अकृत्रिम दुनिया दिखाई नहीं देती है। अरे जिन्हें जगत का रस टूट जाता है, जिन्हें ज्ञायक का रस जागृत होता है, उन लोगों को जगत में बाहर में दुनिया दिखाई जाती है। देखो सारी दुनिया फिर भी अट्रैक्शन नहीं है कुछ भी। अरे क्या देखना है इसमें, क्या देखने लायक बचा है? देखने लायक तो अंदर में ज्ञायक आत्म तत्व है, इसके अलावा और कुछ देखने लायक नहीं है। जिसने दृष्ट्वा भवंत अनिमेष विलोकनीयम, भक्तावर का श्लोक याद आ गया मुझे बीच में, हे जिनेन्द्र देव अनिमेष विलोकनीयम, ऐसे आत्मस्वरूप को देख लेने के बाद में अब कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो देखेगा दुनिया में? आत्मा को देख लेने के बाद में दुनिया में कुछ देखने लायक दिखाई नहीं देता है। सुनिए बातें क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेहों के आकारों के साथ मिश्रित हैं, गेहों के आकारों के साथ में मिश्र रूप से उत्पन्न सामान्य का तिरोभाव, सामान्य जाता रहा, वो सामान्य खो गया, वो भीड़ में न मालूम कहाँ चला गया, ऐसा तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव अनुभव में आ रहा है, भेद रूप अनुभव में आ रहा है। यह आत्म तत्व अनेकाकार रूप से अनुभव आ रहा है, यह अनुभव में इसके अनेक प्रकार के आकार आ रहे हैं, इसके अनुभव में अनेक प्रकार के गेय आ रहे हैं। सुशील जी लोहड़िया साहब बोलो, क्या अनुभव में आ रहा है, क्या पकड़ में आ रहा है? हमें वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। सच में आप प्रयत्न कीजिए, माने सुनील जी सराफ साहब ये अनुभव कीजिए एक बार, सब कुछ देखते समय क्या दिख रहा है, बस एक बहुत विशेष प्रकार की कला यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने बतला दी है। जिस कला से वे चैतन्य आत्म तत्व को देखते थे वो कला अमृत चंद्राचार्य देव ने हमारे को बतला दी है, ये कला हमारे को कह दी है कैसे देखो। देखो तो ऐसे देखो कि बस देखने वाला दिखे, दिखने वाला नहीं दिखे, ऐसे देखो। कैसे देखे? हम देख रहे हैं तो देखने वाला नहीं देख पा रहे हैं। हमें सारे पदार्थ दिखते हुए भी बस पदार्थ नहीं दिख करके ज्ञायक दिखे, कैसे हो, कैसे ये होता ही नहीं है कभी। जहां देखते हैं हमें वही दिखाई देता है। यानी कोशिश कीजिए आप गेहों से भिन्न ज्ञायक को देखने की, दिखेगा भैया, दिखता है ज्ञानियों को, तभी तो कह रहे हैं ये बात, ज्ञानियों को दिखता है, इसीलिए तो इस प्रकार की बातें कही जाती है ना। एक्चुअल में वो सामने जैसा आपको दिखाई दे रहा है, देखो उदाहरण देता हूं आपको, कितने उदाहरण पिछले दिनों में दिए हैं, फिर नया उदाहरण देता हूं। देखिए आपने ये देखिए फाउंटेन, हाँ देखे म्यूजिकल फाउंटेन जगह जगह, कुछ वर्षों से हमारे जयपुर में भी है, मैसूर का देखा होगा, वृंदावन गार्डन में देखा होगा, और जगह पर देखे होंगे, बहुत जगह पर। उसमें जो पानी दिखता है, जो फंवारे चलते हुए दिखाई देते हैं, उसमें पानी कैसा दिखता है? कलरफुल दिखता है कि नहीं? कलर्ड दिखता है कि नहीं? रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिख रहा है कलर? वो कितना, और अलग अलग तरह के शेप बनते हैं उसमें, डिजाइन बनती हुई दिखाई दे रही है उन सब में, क्या हो रहा है ये? कलरफुल, सच बतलाओ पानी में कितना कलर है, पानी में कितना कलर है?
पानी में तो बिल्कुल कलर नहीं है, रंच मात्र भी कलर नहीं है, लेकिन हमने कभी उस म्यूजिकल फाउंटेन को देखते समय हमने कभी कलरलेस वाटर नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं कभी, हमें वो दिखाई ही नहीं देता है, हमें तो वो रंगीन ही दिखाई देता है। अब ये कह रहे हैं रंगीन के काल में, रंगीन दिखने के काल में रंग विहीन दिखे, बस यही कला है, रंगीन दिखने के काल में रंग रहित दिखे। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, कलरफुल स्फटिक दिखने के बावजूद भी वो कलरलेस दिखे हमारे को, ये कला चाहिए हमारे को, है या नहीं है मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां कलर है ही नहीं। इसी तरह से कलर्ड दिखने वाले इस ज्ञान में, रंगीन दिखाई देने वाले गेयों की वजह से रंग बिरंगे दिखाई देने वाले हमारे इस ज्ञान में, इस ज्ञान दर्पण में रंच मात्र भी गेय है ही नहीं। जिस तरह से उस फाउंटेन को देखने पर वहाँ पिक्चर्स है ही नहीं, जिस तरह से उस फाउंटेन को देखने पर वहाँ कलर्स का सद्भाव है ही नहीं, वहाँ कलर नहीं है, वहाँ रंग नहीं है, वहाँ डिजाइन नहीं है, वहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी है, शुद्ध पानी है, निर्मल पानी है, पवित्र पानी है। इसी तरह से ये ज्ञायक आत्म तत्व में कितने भी गेय झलक रहे हों, कितने भी गेय झलक रहे हों, कितने भी गेय झलक रहे हों, लेकिन ज्ञान का पर्दा तो बिल्कुल क्लियर है, क्या सिनेमा के पर्दे की तरह है, पिक्चर हॉल के पर्दे की तरह है, दिखता नहीं है, लेकिन हमने कभी पिक्चर हॉल का वाइट पर्दा नहीं देखा, हमने कभी उस फव्वारे में सफेद पानी नहीं देखा, हाँ तब दिखेगा, हाँ अब कलर नहीं दिख रहा, अब सफेद पानी चल रहा है, अब सफेद, अरे सफेद ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, वहां तो आपको सफेद पानी अलग से दिखाया जा सकता है, सिनेमा के पर्दे पर वो पर्दा जो है क्या वो आपको दिखाया जा सकता है, पिक्चर नहीं चलाते हुए, यहां कलर लाइट नहीं डालते हुए, क्या कलर लाइट नहीं डालते हुए आपको लाइट्स बंद करके वो निर्मल पानी दिखाया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन ज्ञान रूपी पर्दे पर, ज्ञान रूपी पानी में, ज्ञान रूपी दर्पण में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इन गेयों से रहित ज्ञायक दिखाया जाए। वो दिखाएं कैसे, वो तो देखना पड़ेगा, बस अंडरस्टूड है, वो तो समझो आप उस चीज को, बस दृष्टांत के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं कभी भी। यहाँ नमक की डली का जो एग्जाम्पल दे करके यहाँ जो चर्चा की है, इस नमक की डली के एग्जाम्पल के माध्यम से जो बात यहाँ बता रहे हैं उसके माध्यम से इतना तो समझ में आएगा कि नमक का अलग से स्वाद ले लो और ये इनके साथ में मिला हुआ, तो ये जो मिला हुआ दिखाई दे रहा है, इस मिले हुए के काल में भी ऐसा स्वतंत्र नमक था, लेकिन ऐसा स्वतंत्र ज्ञान दिखता ही नहीं है ना, ज्ञान ऐसा स्वतंत्र कहां दिखेगा। हर्षवर्धन जी साहब, ऐसा होगा कैसे, ये बात संभव ही नहीं है। आपको इन्हीं गेयों के बीच में रहते हुए भी ज्ञायक को गेयों से भिन्न देखना पड़ेगा, बस यही अनुभव है, यही आत्मानुभव है, यही आत्मानुभूति की विधि है, यही आत्मानुभूति की प्रक्रिया है, इसे ही अनुभूति कहते हैं, इसको ही ज्ञानानुभूति कहकर के पुकारा गया है। ज्ञान की स्क्रीन पर देखिए, ज्ञान की स्क्रीन कैसी दिखाई दे रही है, बोले क्लियर है, क्लियर 100% क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जैसी दिखाई देगी आपको, ऐसी ऐसी दिखनी चाहिए। क्या आचार्य देवों ने दिखाने का प्रयत्न किया है, गेय लुब्धता के कारण दिखाई नहीं देता, अनेकाकारी दिखाई देता है, हम क्या करें, जब देखते हैं हमारे को तो काला नीला पीला ही दिखाई देता है, जब देखते हैं काला नीला पीला ही दिखाई देता है, हम क्या करें, फुर्सती नहीं है, फुर्सती नहीं है, क्या कभी देखो तो सही, मैं बोलने वाला नहीं, बोलने वाले को जानने वाला हूँ, मैं आँखों से देखने वाला नहीं, मैं देखने वाले को जानने वाला हूँ, मैं कान से सुनने वाला नहीं, सुनने वाले को जानने वाला हूँ, कभी प्रयत्न तो करो,
किसी वस्तु को उठाया हमने तो कहा मैं उठाने वाला नहीं, मैं उठाने वाले को जानने वाला हूं। अभी सुनो, अभी और दूसरे प्रकार से कहता हूं, देखने वाला नहीं, देखने वाले को जानने वाला हूं। तो देखते हुए के काल में भी जो दिख रहा है वो और जो देख रहा है वो, ये भिन्न भिन्न है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि चल रहे हैं, जब आप चलते हैं तो आपको कैसा लगता है? कौन चल रहा है? दो अलग अलग द्रव्य चल रहे हैं क्या? दो अलग अलग द्रव्य। जब आप चल रहे हैं तो चलते समय शरीर अलग चल रहा है और आत्मा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से अलग चल रहा है। शरीर के साथ में चलते हुए भी मैं उससे भिन्न गमन कर रहा हूं, ये बात पकड़ में आती है क्या? नहीं आती पकड़ में। वही तो पकड़ना है हमारे को, मतलब इस चलते हुए के काल में भी, इस देह से गमन करते हुए के काल में भी देह नहीं, देह अपनी क्रियावर्ती, पुद्गलों में अपनी क्रियावर्ती शक्ति है, यह आत्मा शरीर को कैसे चलाए बताओ मुझे? आत्मा शरीर को चला सकता है कि शरीर आत्मा को चला सकता है? आत्मा शरीर को ले जा सकता है, आत्मा शरीर को उठा सकता है, बैठा सकता है, गमन करा सकता है? अभी ये हाथ उठा, समझना बहुत गहरी बात कहता हूं, ये हाथ यहां से उठा, तो इस हाथ के उठने पर हमने आपसे ये प्रश्न किया कि हाथ के उठने पर क्या जीव ने इस हाथ को उठाया है? जीव इस हाथ को उठा सकता है क्या? जीव अस्पर्शी है, जीव इस तन को स्पर्श नहीं कर रहा है, वो जीव इस हाथ को उठा नहीं सकता है। नहीं नहीं साहब, भले आप कैसी बात कर रहे हो साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, जीव तो है ही साहब, बिना जीव के थोड़ी ना होगा भाई साहब। जीव का उपयोग भी है, जीव का योग भी है, जीव की इच्छा भी थी, जीव का विकल्प भी था, लेकिन क्या वो विकल्प इस क्रिया का कर्ता हो सकता है क्या? निमित्त निमित्तिक संबंध तो है क्या? निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, लेकिन शरीर का उठना, हाथ का उठना, ये अपनी गमन करने की क्रियावर्ती शक्ति की योग्यता से हुआ है। और इसके उठने के काल में, इसके साथ साथ में आत्म प्रदेशों का हलन चलन होना, यह अपनी योग्यता से हुआ है क्या? ये कैसी बातें यहां दिखा रहे हैं आपको? तो ये आत्मा आने का कार्य दिखाई देता है। आत्मा का आकार क्या है? बड़ा गजब का स्वरूप है आत्मा के आकार की चर्चा, प्रदेशत्व गुण की चर्चा, नियत प्रदेशत्व की चर्चा, समुद्घात की चर्चा, अणुगुरु देह प्रमाणो संगार अपसपदो चेदा असमुहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वा द्रव्य संग्रह की दसवीं गाथा। अरे बड़ी गजब गजब की बातें कही है भाई सब। ये स्वरूप ही कुछ विचित्र प्रकार का दिखाई देता है। ये कहते हैं विशेष भाव क्या हो रहा है? विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, सामान्य का तो तिरोभाव हो गया और विशेष का ही अनुभव हो रहा है। ये भेद अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी के लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। क्या करें, अज्ञानी गेय लुब्ध, ऐसा भी कह सकते हैं जो गेय लुब्ध हैं वे ही तो अज्ञानी हैं, जो गेय लुब्ध हैं वे ही अज्ञानी हैं। अज्ञानी गेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग की रहितता से। अब देखो क्या दिखा रहे हैं, अन्य गेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव, सामान्य का आविर्भाव जो कि होना चाहिए, और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है कि हमें वो ज्ञान अनुभव में नहीं आ रहा है। ये तकलीफ है कि हमें वो एकाकार अभेद रूप ज्ञान, उसका स्वाद नहीं आ रहा है, हम उसका स्वाद ले ही नहीं पा रहे हैं। यदि पदार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अब आप देखो, ये बहुत सुंदर वाक्य दे दिया है,
यदि परमार्थ से देखें, समझना कुछ कुछ बात और विशेष कह रहे हैं। यदि यदि क्या किया जाए, परमार्थ से देखो, हकीकत देखो जरा, तो परमार्थ से देखें तो क्या दिखना चाहिए, हकीकत क्या है। परमार्थ माने निश्चय से देखो, परमार्थ माने वस्तु स्वरूप से देखो, परमार्थ माने शुद्ध नय से देखो, वस्तु स्वरूप के समीप जाकर के देखो। तो ये कह रहे हैं जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से, विशेष का आविर्भाव मतलब गेयों से जो जानने में आ रहे हैं, गेय जिसमें जानने में आ रहे हैं, उस विशेष के आविर्भाव से, ये विशेष का आविर्भाव, ये पेंसिल पकड़ में आ गई, ये विशेष का आविर्भाव, बोले इस विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। दो अलग अलग ज्ञान नहीं है, दो अलग अलग ज्ञान नहीं है, दो अलग अलग जगह पर नहीं देखना है, दो ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, ज्ञान वही है, देखने का एंगल बदल गया है। जो दर्पण के एग्जाम्पल से आपको चर्चा की थी कल, दर्पण वही है, देखने का एंगल बदल गया है। क्या दर्पण वही है, मिरर वही है, देखने का एंगल बदल गया है। फाउंटेन वही चल रहा है, देखने का एंगल बदल गया है। स्फटिक वही दिखाई दे रही है, देखने का एंगल बदल गया है। समझ में आ रही है? माने जैसा ये कहा ना, नमक दिख रहा है सब जगह पर, बस उसी तरह पर, उसी तरह है। कितने उदाहरण पीछे भी दिए हैं आपको, मिठास का एग्जाम्पल, सब जगह पर मीठा 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 मीठा, अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या देखिए आप, नहीं नहीं ख्याल में आई लाइन, वापस पढ़ता हूँ, जरा लाइन को देखिए। बस तीन बार पढ़ने से लाइन अपने आप समझ में आने लग जाती है। जब नहीं समझ में आवे तो उपयोग की एकाग्रता पूर्वक उस लाइन को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयत्न करें। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, माने ये जो अपने को, अवनीश भाई आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे को विशेष दिखता है तो हमारे को थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, मज़ेदार दिखाई देता है, उसमें मज़ा आने लगता है हमारे को जब विशेष दिखता है तो, क्योंकि एक्चुअल में सामान्य का मज़ा लेना आया ही नहीं अभी आज तक। सामान्य का आनंद कुछ अलग प्रकार का होता है। जिनको विशेषों में आनंद आता है वे व्यक्ति नियम से दुखी होंगे, क्योंकि विशेषों के आनंद लेने वाले परमानेंट सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि विशेष ही परमानेंट नहीं है। तो क्या होगा बतलाइए, जो विशेषों का आनंद लेंगे वे विशेष भी तो परमानेंट नहीं है ना। और जिनको सामान्य में आनंद लेने की कला आ गई है, अब उन्हें कौन दुखी करे, अब उनके ज्ञान में भूत जल के, चाहे चुड़ैल जल के, चाहे अज्ञानी जल के, चाहे परिस्थितियां कैसी भी जल के, अब उनको उसमें आनंद लेना आ गया सहजता में। ये सहजता सामान्य के अवलंबन से आती है, विशेषों के अवलंबन से सहजता नहीं आती। विशेषों के अवलंबन से सहजता कभी उत्पन्न नहीं होती है, सहजता सामान्य के अवलंबन से उत्पन्न होगी। देखो आपने कुछ स्पेशल चीज देखी, वाओ अरे यार गजब मजा आ गया, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा, ये क्या हुआ, विशेष को देखा आप सहज नहीं है, और देखा ओह ये क्या है, ये क्या हुआ, ये क्या देखा आपने, कुछ भयानक दृश्य देखा, कुछ भय देखा, कोई डर की चीज देखी आपने, कोई गंदी चीज देखी आपने, तो क्या हुआ, सहज नहीं रह पाए आप। जब आप विशेष देखते हैं तो सहजता, जब आप बाहर देखते हैं तो सहज रह नहीं पाते हैं, उनसे प्रभावित होकर के आप में एक रूपता नहीं रहेगी, आप खेदखिन्न होंगे या प्रसन्न होंगे, आप सहज नहीं रह पाएंगे। सहज के लिए सहज वस्तु का अवलंबन चाहिए, सहज होने के लिए सहज ज्ञान का अवलंबन चाहिए। सहज ज्ञान उसको दिखा रहे हैं यहाँ, अरे परमानेंट आनंद परमानेंट वस्तु के अवलंबन से होता है, टेम्परेरी वस्तु के अवलंबन से परमानेंट ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सहजता
सहज वस्तु, सहज ज्ञान, ये सहज ज्ञान परमानेंट है। उस परमानेंट सहज ज्ञान के अवलंबन से सहजता की प्राप्ति होती है, ये यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ये बात यहाँ दिखा रहे हैं। वापस देखिए इसी लाइन को, फिर नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ना है अभी अपने को। यदि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से, जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, विशेष के आविर्भाव से जो पकड़ में आ रहा था, विशेष 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 विशेषों में जो था, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। वही ज्ञान है, ज्ञान दो नहीं है। जिस दर्पण में गेय झलक रहे थे, गेयों की झलकन के काल में वो दर्पण जैसा था, गेयों से निरपेक्ष देखने पर भी वो दर्पण तो वैसा ही है, वो दर्पण तो उसी प्रकार का है। जिस प्रकार लिख रहे हैं आगे, जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित, जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव, केवल सैंधव, क्या आचार्य देव क्या पकड़ते हैं, केवल सैंधव को पकड़ करके यहां दिखा दिया, आपको नहीं दिख रहा था इसलिए दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित, जिसमें दूसरे द्रव्य का संयोग नहीं है, ऐसे नमक की बात कीजिए, क्या मिलावट से रहित नमक, नमक की डली, आपके घर की किसी बर्नी में रखा हुआ नमक, नमक का स्वाद, लो लो नमक का स्वाद लेकर के देखो जरा नमक कैसा है। क्या अब जैसे कोई बालक हो ना, छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे नमक का स्वाद नहीं जानते, कि कैसे पता लगता है सब्जी में नमक है या नहीं है, सब्जी में नमक है या नहीं है, ये नमकीन में नमक है या नहीं है, ये पकौड़ी के अंदर नमक कम था या ज़्यादा था, कैसे पता लगेगा। तो उन्हें कहते हैं एक काम कर, तो पहले इधर आ मेरे पास में, ये उसके हाथ में थोड़ा सा नमक दो, थोड़ा सा नमक, और बोले इसको टेस्ट कर, कि टेस्ट किया किसका स्वाद आया, बोले नमक का। अब ये जो नमक का जैसा स्वाद आया है, इस नमक के ऐसे स्वाद को इस पकौड़ी को सेवन करते समय उस स्वाद को वहां अनुभव करने की चेष्टा करो। क्या समझ में आई, ये जो पकौड़ी जो आप खा रहे हो ना, इस पकौड़ी में क्या कैसा अनुभव करना है, इस पकौड़ी में नमक कैसा दिखेगा, जो खाली नमक था वैसा ही दिखेगा इस पकौड़ी वाला नमक भी, क्योंकि नमक तो सदा काल नमक जैसा ही रहता है। यदि वो नमक सब्जी में गिरेगा तो भी अपने खारेपन रूपी रहेगा, यदि वो नमक, अरे बहुत सारे लोग गुजराती लोग सब अन्य चीज़ों में भी नमक डाल देते हैं ना, मीठे में भी नमक है कि नमकीन में भी मीठा है, ऐसा होता है ना सब मिलावट, तो भी नमक का जो अस्तित्व है वो जो खारेपन रूप से, अब वो बच्चा पकड़ने लग गया। मैं आपसे कहता हूँ, आप पकौड़ी खाते समय नमक कैसे पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में कला तो है नमक पकड़ने की, पकौड़ी में मिले होने के बावजूद भी आप में ये कला तो है कि हम नमक को अलग पकड़ लेवे, ये कला तो आप में है बराबर जिग्नेश भाई, ये तो है आर्ट, बिल्कुल है। तो बस वही तो करना है, और क्या करना है। जो काम आपने पकौड़ी को टेस्ट करते समय नमक को अलग निकाल लिया था, इसी तरह से गेय को जानते समय गायक को अलग निकालना है या सॉल्टिंग करनी है, आपका तो काम ही इसी तरह का है। देखिए, जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षारत्व के कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है। अभी अभी क्या किया है, हमने खाली नमक की डली का अनुभव किया, तो कौन से एंगल से अनुभव करें कि उसमें खारापन नहीं दिखे, कौन से एंगल से देखें कि खारापन नहीं दिखे। बोले किसी भी एंगल से देखो वो तो खारी ही दिखेगी। अब इन्होंने खारेपन की चर्चा की है, आहार में खारापन उनको लगा होगा, हम तो मिश्री की बात करो, क्या मिश्री के कौन से अंश में मिठास नहीं है, सब जगह पर मिठास है, सब जगह पर मिठास है, इधर भी मिठास, इधर भी मिठास, इधर भी मिठास, जहाँ से जहाँ चखिएगा मिठास पाइएगा, ऐसा है, जहाँ से चखेंगे वहाँ से मिठास ही दिखाई देगी।
ये क्या कह रहे हैं, क्षारत्व 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 का ही, क्षारपने का ही स्वाद आता है उसी प्रकार। ओहो, उसी प्रकार नमक का तो एग्जाम्पल दिया है, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, ये क्या होता है व्यवच्छेद, अलग करके परद्रव्य के संयोग को अलग निकाल कर, परद्रव्य को अलग उठा करके धर दो ज्ञान में से, दर्पण में झलकने वाले गेयों में से गेयों को निकाल दो, दर्पण में झलकने वाली झलकन में से प्रतिबिंब को निकाल दो और सिर्फ दर्पण रहने दो, ऐसा व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर। अरे साहब, आप तो ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं ये आत्मा का अनुभव किए जाने पर, तो आत्मा का अनुभव करें कि ज्ञान का अनुभव करें? अरे पिछले कलश में दिखाया तो था, 13 नंबर के कलश में, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। तो आत्मा का अनुभव करने पर चारों ओर से एक, चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी, मतलब चारों ओर से विज्ञान घन है यह आत्मा, इस आत्मा में विज्ञान माने ज्ञान के घनेपन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, यह आत्मा ज्ञान का ही बना हुआ है। आत्मा का जो निर्माण है, निर्माण तो होता नहीं है तो कहने की भाषा है, लेकिन आत्मा ज्ञान का ही पिंड है और ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में ज्ञान ही व्याप्त होकर के रहता है, प्रत्येक ज्ञेय के काल में ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, हर ज्ञेय के काल में, किसी भी ज्ञेय के काल में देखो आप तो हर ज्ञेय के काल में ज्ञान 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 ही है, हर ज्ञेयों में ज्ञान दिखाई दे रहा है आपको। तो पीछे हमने नोटों के एग्जाम्पल से, व्यापार के एग्जाम्पल से आपको नोट दिखाई दे रहे हैं, लेन देन में उनकी वैल्यू दिखाई दे रही है, नए पुराने नोटों की चर्चा की, व्यापार की चर्चा की, कितने तरह से हमने कोशिश की है कि आपको कैसे भी करके ये पकड़ा देवें, लेकिन मुझे मालूम है आपने नोट तो पकड़ लिए, आपने ज्ञान नहीं पकड़ा, आपने उदाहरण तो पकड़ लिए लेकिन उदाहरणों के माध्यम से आपने ज्ञायक को नहीं पकड़ा। हमने प्रकाश में भी प्रकाश को दिखाने की बात कही, हमने रोशनी में रोशनी को दिखाने की बात कही, हमें रोशनी नहीं दिख रही है, हमें तो प्रकाश नहीं दिख रहा है, हमें तो पदार्थ दिख रहे हैं, पदार्थ। अच्छा अच्छा, और देखिए अभी अभी उसी प्रकाश वाले उदाहरण की बात करता हूं, कल जिसकी चर्चा की थी, टॉर्च से किसी एक मूर्ति पर प्रकाश डाला, ध्यान देना, एक आध मिनट बस, पूरी हो गई चर्चा, कल गया एक भाव की चर्चा पढ़ेंगे इसी में आगे। एक मूर्ति है और उस मूर्ति के ऊपर हमने इधर से टॉर्च का फोकस दिया, मूर्ति चमकने लगी, दिखने लगी उसका फोकस पड़ने पर, तो ये फोकस पड़ने पर जो मूर्ति चमक रही है, अब हमारा प्रश्न ये है कि जो मूर्ति चमक रही है ये चमक मूर्ति की है कि प्रकाश की है? आपने क्या कहा, अब मूर्ति प्रकाशित हो गई, तो क्या मूर्ति में प्रकाशित होने की योग्यताएं के प्रकाश में? बस यही है भाई साहब, यही है, यही दिखाना चाह रहे हैं, यही देखने की कला डेवलप करनी है। मूर्ति में तो ऐसी योग्यता है ही नहीं कि वो प्रकाशित हो, क्या वो मूर्ति प्रकाश के संयोग से प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है? वो मूर्ति प्रकाशित नहीं है, प्रकाश ही प्रकाशित है, प्रकाश के संयोग के कारण मूर्ति प्रकाशित दिखाई देती है, संयोग से देखने पर मूर्ति प्रकाशित दिखाई दे रही है, लेकिन प्रकाश प्रकाशित है, मूर्ति प्रकाशित नहीं है, ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। जो स्वाद है ना, स्वाद वो ज्ञान का स्वाद है, हर समय
24/7 हमें जो स्वाद आ रहा है वो ज्ञान का स्वाद है, वो ज्ञान का स्वाद है, वो ज्ञान का स्वाद है, लेकिन वो ज्ञान का स्वाद स्वाद में नहीं आ रहा है, वो ज्ञान का स्वाद पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है कि उपयोग दूसरी तरफ है, और उपयोग कहाँ है कि उपयोग गेय की तरफ है, इसलिए गेय पकड़ में नहीं आ रहा है, गेय की तरफ उपयोग होने के कारण। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, आपका उपयोग कहाँ है। जैसे पकौड़ी का सेवन करते समय, अभी हमने कहा कि नमक बराबर है क्या, तो आपका उपयोग पकौड़ी को खाते समय, भुजिया को खाते समय नमक की तरफ था, तो आपने नमक को पकड़ लिया कि नमक कम है या ज़्यादा है। फिर हमने पूछा मिर्ची, बोले एक पकौड़ी और लाओ, क्या तो मिर्च पकड़ में आएगी। अब हम हमारा क्योंकि वहीं धनिया भी है, वहीं मिर्च भी है, वहीं और मसाले भी हैं, वहीं काली मिर्च भी है, वहीं नमक भी है, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। लेकिन सब चीज़ें वहाँ होने पर भी एक समय में उपयोग में एक चीज़ हाईलाइट होती है तो दूसरी चीज़ गौण हो जाती है, और उस मिलावट के स्वाद में एक चीज़ का स्वाद चला जाता है। एक रूप स्वाद को दिखाने के लिए यहाँ कह रहे हैं, विज्ञान घनता के कारण ये आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। बस इसी का नाम तो अनुभव है। आत्मा का अनुभव किए जाने पर क्या ज्ञान में आएगा, आत्मा का अनुभव किए जाने पर श्रद्धा पकड़ में नहीं आएगी, आत्मा की अनुभूति के काल में चारित्र पकड़ में नहीं आएगा, आत्मा की अनुभूति के काल में अस्तित्व नास्तित्ववादी अनंत धर्म पकड़ में नहीं आएंगे, आत्मा की अनुभूति के काल में, ये कह रहे हैं अनुभव, अनुभव किए जाने पर, ये जो शब्द दिए जा रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा इन शब्दों के ऊपर, केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से हमें उस आत्मा में विज्ञान घनता, विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी, आत्मा नहीं ये आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। माने अमृत चंद्राचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि आपको यदि आत्मा का स्वाद लेना है तो सिर्फ ज्ञान को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं दूसरे गुणों को पकड़ करके आत्मा पकड़ में आएगा ही नहीं, ये लक्षण है, ये पहचान का चिन्ह है, इससे ही आत्मा दिखाई देता है। इसके अलावा आत्मा को देखने की और कोई विधि है ही नहीं, ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा को देखने की दूसरी कोई विधि नहीं है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। इस तरह से अमृत चंद्राचार्य देव की ये टीका, आत्मख्याति टीका जो 15वीं गाथा पर लिखी गई थी वो यहाँ संपन्न हुई, और इसी पूरी गाथा को पुनः एक बार रिवाइज करते हुए रिवीजन के तौर पर ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में इसके कुछ मर्मों को यहाँ बतलाया गया है। कल ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी के अंशों को पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौवाण मुख नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो सव्य साहूणम।